हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली सभी को। और इतना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बेटा? आज तो जुकाम लगा ना आपको, जुकाम। ये दीदी सजावट कर रही है, मेरी दोनों जेठानी काम कर रही हैं, बस मेरा आराम हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। और कैसा लग रहा है फिर दीदी? बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा है ना, मजेदार। आज तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आप, कुछ भी कहो। थैंक यू दादा, लट्टू होने वाले हैं आज, लट्टू हो गए हैं है नी? हाँ तभी तो, यहाँ देखो फाइटिंग हो रही है। इनको कुछ नहीं आता, इनको व्लॉगिंग सिखा रहा हूँ मैं। आज दिवाली के शुभ अवसर पे इन्हें मौका दिया है मैंने व्लॉगिंग सीखने का, तो आज से मैंने इन्हें कमान दिए संभालने के लिए। देखते हैं क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो इतने सालों तक यहाँ दिल्ली में रह के इन्होंने कुछ करा नहीं है, ये हम उसे बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, व्लॉग को आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं दिवाली में क्या क्या हमने किया। देखो जी, खिड़कियों को सजाने के लिए हमने ये सब लगाया, और इनकी डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करी गई है। ये 1.5 घंटा 2.5 घंटा वैन में बैठने के बाद, चलो सवा दो लगाया होगा, सवा दो लगाया होगा, इसने तो ज्यादा लगाया, तो 3.5 घंटे की मेहनत करी गई है। मेरे को मेरा एकदम चुटकी में, तेरे चेहरे पे ऐसा पता लग रहा है कि तूने कम से कम 3 प्राइमर लगाए। नहीं नहीं कुछ नहीं लगाया मैंने, बस मेरा नेचुरली ऐसी नेचुरली ऐसी जड़ बोल रही है, ये भी जड़ बोल रही है, इसने भी कम से कम 2.5 घंटे लगाए। बच्चे किसी गोद में था, बच्चा इसने पापा की गोद में दे रखा है, और उसके बाद लगी है 2.5 घंटे से मेहनत करने में। नहीं मैंने तब जाके दे 5 मिनट में, मेरे जब सबसे जल्दी मैं तैयार हुई थी और कोई तैयार नहीं हुआ, इसने लगाया, भाभी गई है वो। चलो ठीक है, आगे आगे लगा दिया, आधा घंटा अभी तक आगे आगे। भाभी भाभी तुम सबसे शेर है, अभी कम से कम 3.5 घंटे लगा के आएगी। देखो फूलों का यूज करके स्टेयर सजाई गई है, अभी तो शुरुआत करिए, दो चार यहाँ पे कैंडल्स लगाई हैं, अभी कैंडल से भर देंगे थोड़ी देर में। चले भाई धमाका करने का। भाग लिया है तो बड़ा ही पुस्सी बम था, जैसे इसकी तबीयत खराब हो गई पुस्सी और गया, वैसे इसका बम भी पुस्सी निकल रहे हैं। इस बार कुछ खास नहीं है, बहुत कम लोग हैं दिवाली मनाने वाले। ये 2 दिन जो दिवाली रखी गई है उससे कैंसिलेशन बहुत ज्यादा है, लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन से दिन दिवाली मनानी है, एग्जैक्टली यही समझ में नहीं आ रहा है। 31 को मनाएं, 1 को मनाएं। चलो बम फोड़ के चल दिया वापस, अब थोड़ी देर में वापस आएंगे एक और बम फोड़ने। अब देखो छोटा पैकेट दिवाली मना रहा है, कमान युक्ता पकड़ो पकड़ो, डर क्यों रहे हो? डरपोक अम्मा के हाथ में देखे।
इतनी डरपोक बच्ची है। दिवाली को कई वजह से मनाया जाता है। पहली वजह जो है, दिवाली को भगवान श्री राम जी के अयोध्या लौटने के उपलक्ष में मनाया जाता है। कहा जाता है कि रावण जी को हराने के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में पूरे अयोध्या में दीप जलाए थे, तो इसी कारण दीपावली मनाई जाती है और दीप जलाकर पूरा शहर, पूरा देश जगमग हो जाता है। दिवाली को देवी लक्ष्मी जी से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है दिवाली पर माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दिवाली को बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के मुताबिक पांडवों ने 12 साल का वनवास बिताने के कुछ बाद कार्तिक अमावस्या को हस्तिनापुर लौटकर दीपों से शहर को रोशन कर दिया। इसी कारण दिवाली मनाई जाती है। दिवाली पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए नए कपड़े, उपहार और आदि सामान लाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, आपस में प्रेम भाव बढ़ाते हैं। इतनी जोर से फटाया कि जिसमें था वो तो उड़ा ही उड़ा, पड़ोसी को भी उड़ा दिया।
अपने घर फेंक दिया इसने। ये देखो मेरे डरपोक को, ये बम से बच रहा है। ये और चलेगा। आई होप आप लोगों ने वीडियो इंजॉय किया। अगर इंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो जाते जाते एक कविता या शेर जो भी कह सकते हैं आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ। सूरज की किरणों से, चांद की चांदनी से, दिवाली की रोशनी से, आपके जीवन में उजाला हो, खुशियों की मिठास से प्यार का रिश्ता हो, इस पर हर मन के सुख शांति का मेल हो। शुभ दीपावली।